हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ममता आप सब लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी ब्लॉगर ममता सिंगल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि भाई मैंने कहां तक पढ़ाई की है, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो पे एक दो कमेंट ऐसे आए थे कि भाई वो पूछ रहे थे कि आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है। तो मैंने वो वीडियो उस टाइम नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा कि वो वीडियो मैं अब बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे जो डेली ब्लॉग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं भाई किसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ और वो टेस्ट मेरा जब हो जाएगा ना, उसके बाद ही शायद मैं रेगुलर वीडियो है वो डाल पाऊँ। तो मैंने सोचा चलो ये वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ तब तक शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस टाइम भाई हम स्कूल जाने लगे थे ना, उस टाइम लड़कियों का इतना वो नहीं था कि भाई लड़कियों मतलब पढ़ती थी लड़कियाँ, लेकिन इतना नहीं था कि भाई बाहर भेजो पढ़ाने के लिए। और उस टाइम प्राइवेट स्कूल भी हमारे आसपास थे नहीं, भाई प्राइवेट स्कूल नहीं थे आसपास और बहुत दूर दूर थे, तो उनमें मोस्टली लड़के ही जाते थे उस टाइम। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, लोग सोचते थे भाई लड़कियों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, लेकिन हमारी जो फैमिली है उन्होंने भाई कभी भी लड़कों में और लड़कियों में कभी भेदभाव नहीं किया। तो जो शुरुआती जो मेरी पढ़ाई है वो हमारे गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल में हुई, और उस टाइम सभी बच्चे उसी स्कूल में जाते थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो फिफ्थ क्लास तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है भाई गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद फिर जहाँ पे जो हमारा स्टॉप लगता है, हमारा जो गाँव का स्टॉप लगता है हमारे गाँव से थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पर टेंथ क्लास तक का स्कूल था, तो वहाँ पर मैंने की है सिक्स्थ और सेवन्थ, दो साल मैंने वहाँ पढ़ी भाई मैं। उसके बाद फिर मैं एट्थ नाइन्थ टेंथ वहाँ उस मैंने वो वाली पढ़ाई अपनी की है भाई, हमारे गांव से थोड़ी दूर है, तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल था, काफ़ी अच्छा स्कूल था और काफ़ी बड़ा भी था उस टाइम। तो भाई मतलब एक दो ही स्कूल थे प्राइवेट कोई, जिस टाइम हम सिक्स सेवन्थ एट्थ में हुए ना उस टाइम। तो वहाँ पर मैंने भाई अपनी एट्थ नाइन्थ और टेंथ की पढ़ाई की है। और उसके बाद फिर सभी लड़कियाँ, जो लड़की है लड़के हैं सभी हमारे भाई यहाँ पे रेवाड़ी में स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल भी स्कूल है और बॉय भी है, तो मोस्टली बच्चे वहीं पे पढ़े हैं। तो वहाँ पे हमने भाई प्लस वन और टू की पढ़ाई वहाँ से की है, और प्लस वन और जो टू का टाइम था ना वो भाई मेरी मतलब पूरी जहाँ जब तक मैंने पढ़ाई की अब तक का सबसे अच्छा टाइम था वो, सच में बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड थे। लेकिन बस प्लस वन टू के बाद ये लगा लो, क्योंकि उस टाइम लड़कियों की जल्दी शादी कर देते थे, तो हमारे ग्रुप की जितनी लड़कियाँ थी मोस्टली लड़कियों की शादी हो चुकी थी प्लस टू में या फिर फर्स्ट ईयर में, तो सब लड़कियां बस इधर उधर हो गई, किसी की शादी कर दी, किसी की एंगेजमेंट कर दी, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, तो सब लड़कियां भाई इधर उधर हो गई। मतलब एक जो रिलेशन सा था ना सबका, वो सबका टूट गया भाई, सब इधर उधर चलेगी, बिजी होगी अपनी लाइफ में। तो प्लस टू तक काफ़ी इन्जॉय किया, प्लस वन टू में ज़्यादा किया। उसके बाद रेवाड़ी में के एल पी कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपनी बी ए की पढ़ाई पूरी की है भाई। वो मैंने रेगुलर नहीं मतलब रेगुलर जाके नहीं की, तो संडे को क्लासेस लगती थी, मतलब मैं नॉन अटेंडिंग में थी, कभी कभी जाती थी। और फर्स्ट ईयर और फिर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में फिर भाई मेरी शादी हो गई थी नवंबर में, तो सेकंड ईयर में जब मैं थी तो नवंबर में मेरी शादी हो गई। फिर शादी के बाद मैंने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद फिर भाई मेरी गुड़िया हो गई थी जल्दी, और फिर बस बीए में मैंने ये लगा लो बीए भी वहाँ से कर ली मैंने। और जब सेकंड ईयर में मैं थी उसी टाइम मैंने एक साल का भाई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया था, क्योंकि मैं नॉन अटेंडिंग में थी, कभी कभी जाती थी, तो उस टाइम मैंने अपना कंप्यूटर का कोर्स भी कम्प्लीट किया था एक साल का। और बस बीए करने के बाद फिर फ्रेंड्स मैंने दो साल की एमए की पॉलिटिकल साइंस से, तो वो मैंने की है आरडीएस गर्ल कॉलेज है यहाँ पे रेवाड़ी में, वहाँ से मैंने अपनी एमए है वो कंप्लीट की है। उसके बाद फ्रेंड्स तीन से चार साल का मैंने गैप किया, क्योंकि मेरे दो बच्चे हो गए थे भाई छोटे थे, और फिर मेरी सास थी वो बीमार रहती थी, और फिर फैमिली का भाई बहुत सारा काम हो जाता था, तो दो दो छोटे बच्चे, तो उसमें तो मैं पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था उस टाइम मेरा। तो बस उस टाइम मैंने भाई तीन चार साल का गैप कर दिया, मैंने मुझे नहीं पता था मैं दोबारा पढ़ाई शुरू कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे बड़े हुए थोड़े से, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि भाई अपने आगे की पढ़ाई अगर करना चाहती है तो कर सकती है, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ, तो फिर मैंने भाई अपनी दो साल की बी एड की, अब पिछले साल ही मेरी बी एड है वो कम्प्लीट हुई है आपको पता है। और फिर मैंने शायद एक बार दिया था, शायद नेट का टेस्ट मैंने सिर्फ एक बार ही दिया, उससे पहले मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो जब मैंने नेट का जो टेस्ट दिया था उसमें मैंने भाई बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की पढ़ाई, ऐसे ही बस फॉर्म भर दिए, और फिर ना मैंने कोई बुक ली, ना मैंने कोई ऑनलाइन क्लास भाई ली, ना कोई मैंने फ़ोन में कोई वीडियो देखी, मतलब बिल्कुल ही जो मेरा पहले का कुछ थोड़ा बहुत याद था ना उसी के बेसिक पे मैंने अपना जो नेट का टेस्ट है वो मैंने दिया था। और उसमें मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, क्लियर नहीं हो पाया लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगी कि भाई अगर बगैर पढ़े इतने नंबर आ सकते हैं तो शायद थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो क्या पता कभी क्लियर भी हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने एक दो टेस्ट भरे हैं, तो उसमें ठीक ठाक नंबर आते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। वैसे मैंने दो बार ही टेस्ट दिए हैं, थर्ड बार अब देने जा रही हूँ मैं, देखते हैं होता है नहीं होता क्लियर। तो अब मैं थोड़ी सी भाई अपनी करने लगी हूँ मेहनत,
क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो मैं मोस्टली फ्री रहती हूँ घर में। तो फिर दिन में मेरा फ्री ही निकलता है टाइम, तो मैंने सोचा चलो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ भाई, अपना टाइम है उसको यूज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने दोबारा से भाई पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और बस बीएड भी मेरी हो चुकी, एमए हो चुकी भाई, और कंप्यूटर का कोर्स हो चुका है। और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी भाई आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है भाई। गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में ना सच में बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। पता नहीं कितने कितने टेस्ट कर दिए, और फिर शादीशुदा जो लड़कियाँ होती है तो उनके लिए तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम ये सोचते हैं हम खुद पढ़े हैं, बच्चों को पढ़ाएं या घर का काम करें, तो मतलब माइंड है ना वो चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन फिर भी अभी मैंने दोबारा से शुरुआत कर दी है भाई, अगर भगवान ने चाहा तो क्या पता मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये ही होता है कि जब अगर पढ़ाई ना करो ना ज़्यादा, तो ये होता है कि भाई हमने पढ़ाई नहीं की, तो आदमी को थोड़ी संतुष्टि हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, घर का काम ही कर लेते हैं। लेकिन जब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर जॉब ना मिले ना, फिर आदमी के दिमाग में ये रहता है यार फिर क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करने का, इससे अच्छा तो कम पढ़ लेते तो वही अच्छा था। तो ये बातें मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि जब इतनी पढ़ाई की है तो फिर भाई गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए ना। और प्राइवेट जो जॉब है वो मेरे हस्बैंड भाई अलाउ नहीं करते, प्राइवेट जॉब के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी बार बोला है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है लगता है कि मैं घर में ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे अच्छा मैं भाई कुछ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने जाते हो ना तो फिर आपकी नॉलेज बढ़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों के लिए सब कुछ करो, लेकिन आप बाहर निकलते हो पढ़ाते हो बच्चों को तो दो चार चीज़ें आप भी एक्स्ट्रा ही सीखोगे, ज़रूरी नहीं है। तो मैंने कहा, लेकिन भाई मेरे जो हस्बैंड है वो इस चीज़ के फेवर में नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट मिलती है तो आप करो, अदरवाइज फिर आप घर ही रहो। तो बस उस चक्कर में मैंने अभी तैयारी कर रही हूँ भाई, इसलिए मेरी वीडियो भी डेली नहीं आ पाती। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाई मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो आप लोगों को अपने जो क्वेश्चन है उनके जवाब मिल गए होंगे जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था उनको। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। और जल्दी ही मैं फ्री होके भाई डेली व्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टेस्ट है इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ भाई। जैसे ही मेरा टेस्ट हो जाएगा मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ डेली अपनी जो लाइफ है वो शेयर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो व्लॉग रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।